अलैकुम एवरीवन। इस वक्त जो है पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर नौरीन रो रही है का टैग जो है वो इस वक्त हर जगह पे वायरल हुआ हुआ है। ठीक है, तो इस हवाले से जो है ना एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, लेकिन उससे उससे जो है ना एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो मैं पहले तो आपको वो वाली वीडियो दिखाता हूँ। अब वो नोरीन रो रही है, नोरीन ये रो रही है, नो जो नोरीन फारूक खान वो रो रही है। वो कहती है मैंने पूरी जिंदगी अपनी 1999 से अभी तक, मैं आज तक 2024 तक जो है ना 23 तक मैं पीटीआई में रही हूं, तो जो बंदा 2020 में आ रहा है वो पीटीआई का चेयरमैन बन रहा है, ये इमरान खान साहब का गलत फैसला था उसको बनाने का। इलेक्शन तो कम से कम कराते, चलो उनका फैसला भी था तो इलेक्शन तो कम से कम फेयर अब कर नोरीन लेते। क्या चाहती है, वो कहती है इलेक्शन हो, वो तो हमेशा से इसकी ऑफिस होल्डर रही किसमें है ना, किसमें इलेक्शन? वो किस चीज के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। अच्छा, वो वो कहती है इस ये बोगस इलेक्शन कराए हैं, वहां पर 20 बंदे बैठा के कर दिए हैं, हमारी पार्टी पूरी जो है ना वो नेशन वाइड पार्टी है, तो नोरीन नेशन वाइड फिर पार्टी बल्ला क्यों को मांग रही वो है? कह, वाई उसने बल्ला नहीं बल्ला मांगा। हाँ नो, वो तो जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है अगर कालेदम हो जाए तो फिर आपको सिंबल नहीं मिलता, ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है, प्री रेक्विजिट है, बल्ले का कोई नहीं है। वो तो आज भी पीटीए के लिए रोती है, इमरान खान के लिए अच्छा रोती है। जी, अब आपने ये वीडियो देख ली है तो ये ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि ये जो उमर हसन अयूब साहब जो हैं, जो ऑब्वियसली मीडिया सोशल मीडिया पर या मीडिया में जो सर्कल्स हैं उनमें ये एज अ एस्टेब्लिशमेंट के जो है ना रिपोर्टर्स के तौर पर इनको जाना जाता है, ये उन्हीं का नैरेटिव जो है ना मीडिया के ऊपर फैलाने के लिए आते हैं। और इनको इनके बारे में मशहूर भी है कि इनको ज़बरदस्ती शोज़ के अंदर बिठाया जाता है, इवन के फॉर एग्जाम्पल यू नो ये हसन गुमन साहब जो हैं इनको प्रो पीटीआई समझा जाता है, इनके शो के अंदर इनको ज़बरदस्ती ऐसा गेस्ट बिठाया जाता है ताकि ये उनका जो है ना नैरेटिव दे सकें। अच्छा जी, तो अब ये अब उसके बाद फिर मैं अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नौरीन साहब एग्जैक्टली हैं कौन और इनका इनका एग्जैक्टली कहना क्या है। तो ये वाली मेरा वीडियो नाम देखिए। नौरीन फारूक खान है। एज आपने जो होमवर्क किया है उसमें आपने ये भी देख लिया है कि मैं पीटीआई की तरफ से काउंसलर भी थी UC 50 की, और ये जो लोकल बॉडी लास्ट इलेक्शन हुआ है तो बेसिकली तो मैं 99 से पीटीआई में हूँ, और मतलब डिफरेंट अहदों पे है, कराची की प्रेसिडेंट, सिंध वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, लेबर विंग की पूरे पाकिस्तान की प्रेसिडेंट, और एज सच अभी भी मेरे पास लेबर विंग का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का अहदा है। और 2011 से मैं चीफ स्टाफ ऑफिसर नईमुल हक को असिस्ट करती थी, उनकी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। मेरी तो सिर्फ सिंपल सी मैंने दो लाइनों की एप्लीकेशन दी है कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें मतलब मेरा भी दिल था कि मैं पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि इतने सालों से मैं पार्टी में हूं और पूरे पाकिस्तान में मैंने काम किया है। तो मेरी सिंपल प्ली थी दो लाइनों की कि जी हमें इसका मौका दिया जाए कि हम भी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, क्योंकि इमरान खान का जो भी था शुरू से जो यही कहते थे कि हमने पार्टी को एक अदारा बनाना है, एक ऐसा सिस्टम लाना है कि ऑटोमेटिकली जो भी पार्टी का वर्कर इस चीज़ में हिस्सा लेना चाहे उसको इजाज़त होगी हिस्सा लेने की। और दो टेन्योर के बाद इमरान खान ने खुद कहा था कि मैं एज अ चेयरमैन नहीं आऊँगा। चलें ये तो उन्होंने किया, लेकिन ये कि जिनको अभी इन्होंने नॉमिनेट किया है एज अ चेयरमैन, तो ये तो 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर बुनेर से इलेक्शन लड़ते हैं, और उसके बाद ही इज़ द काउंसिल ऑफ इमरान खान, और ये एतजाज़ एहसन और जो लतीफ़ खोसा की लॉ फर्म के एम्प्लॉय हैं सारे वकलाए। तो अब ये कि इस तरह नहीं होता कि आप एक दिन अनाउंस करें कि जी पार्टी इलेक्शन है, ना आप किसी को नॉमिनेशन पेपर्स दें, ना किसी को इजाज़त दें कि उसमें हिस्सा ले सके। तो इसी वजह से हम मतलब मैंने तो दो लाइनें दी थी कि मेरा भी हक मैंने आप क्या बनता है। चाहती हैं, मतलब कौन पार्टी चेयरमैन होना चाहिए, बेसिकली आप क्या चाह रही हैं? बात यह है कि हम लोग तो शुरू से यही कहते हैं कि ठीक है आपने पार्टी सुपुर्दी करनी थी तो अगर लॉयर के सुपुर्द करनी थी तो हामिद खान से ज़्यादा तो कोई भी सीनियर नहीं है, वो तो इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, और फिर पार्टी बनाने वालों में जो शुरू के लोग हैं तो हामिद खान साहब उसमें थे, तो भी आपने पार्टी हैंडओवर करनी है उनको करते। ये थोड़ा ही है कि जो बंदा आता है आपके पास 2020 में और वो पार्टी का मालिक बन जाता है, तो मुझे तो इस चीज़ पे है कि पार्टी को हाईजैक किया जा रहा है। और मैं तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये नौरीन साहिबा जो हैं ये आज एक पिटिशन लेके गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो गौहर खान जो है पीटीआई के जो जिनको अभी इमरान खान ने गौहर अली खान इनका नाम है एग्जैक्टली इनको नॉमिनेट किया है पीटीआई का चेयरमैन, तो ये कहती है कि ये इनको किस बेस के ऊपर बना दिया है कि इनको मैं भी अपना नाम जो है ना एज अ चेयरमैन के लिए मैं देना चाहती हूँ। और मज़े की बात ये है कि ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग पुल आउट कर लेते हैं चीज़ें, तो अब ये वाली पहले वीडियो देखिए। असेंबली काफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। एक्स जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब पीटीए हैं, और नौरीन फारूक ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और मेरा ख्याल है 1999 से पीटीआई का हिस्सा है।
हमारे साथ तैयब साहब हैं जो कि हमारे आईटीएफ के साउथ पंजाब के लीडर हैं और बहुत माशाल्लाह एक्टिव हैं। सरदार सैफुल्ला खान साहब बलोचिस्तान से हैं, मैं इनका बहुत ही मशहूर हूँ। अच्छा जी, तो अब आपको पता चल गया है कि ये जो नौरीन साहिबा हैं ये पीएमएलक्यू में इस साल के शुरू में यहाँ पर इन्होंने पीएमएलक्यू को ज्वाइन कर लिया था, और तो इस वजह से इसका जो है ना बहुत ज़्यादा पतंगड़ बना हुआ है बात का, और इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है कि नौरीन रो रही है।